सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर मोस्ट अवेटेड अपडेट और फीचर जो है फॉर्म 10IE। जी हां फ्रेंड्स, फॉर्म 10IE जो है उसे अब इनेबल कर दिया गया है। बिजनेसमैन के लिए सेपरेट तरीका रहेगा और जो सैलरीड क्लास हैं उनके लिए अलग तरीके से ये फॉर्म जो है फाइल होगा। तो आपको मैं आज दिखाने वाला हूं कि इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर अगर आप एक सैलरी के रिटर्न भर रहे हैं तो आपको इस फॉर्म 10IE को भरना कैसे है। क्या है ये फॉर्म 10IE? ये फॉर्म बेसिकली आपको तब भरना है जब आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी कि लोअर रेट ऑफ टैक्स का यूज आपको अगर करना है तो ये फॉर्म 10IE आपको भरना है। इसके लिए डिटेल्स जो है अगस्त महीने की मंथली टैक्स मैगजीन जो है उसमें भी टीम प्रयास कर रही है कि फॉर्म 10IE से संबंधित आर्टिकल जो है आप लोगों को दिया जाए, अलोंग विद 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इस बार की मैगजीन में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ 1st ऑफ अगस्त 2021 को जो जीएसटी रिटर्न्स के ऊपर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, जिसमें आपको GSTR 1, GSTR 3B, 2B और रूल 36(4) क्या है, किस तरीके से यूज करना है, सारी चीजों की डिटेल्स बताई जाएंगी। तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे अब इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर ITR 1 या ITR 2 अगर आप सिलेक्ट करते हैं, यानी कि नॉन बिजनेस का अगर आप रिटर्न भरते हैं तो फॉर्म 10IE आपको रिटर्न फॉर्म के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ITR 2। इसको आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद जब आप रिटर्न फाइलिंग के पेज पे पहुंचेंगे तो आपसे पूछा जाएगा वेदर यू आर फाइलिंग रिटर्न फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो आपको यहाँ पर पहले तो ये करना है कि टैक्सेबल इनकम मेरी जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, इसीलिए ये ITR फाइल करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे और जो ये जनरल डिटेल्स है इसको आप चेक करके कंफर्म करने के बाद इसे कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, प्रोसीड टू स्केड्यूल क्वेश्चंस। इसका मतलब अब आपके लिए स्केड्यूल्स जो है कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको भी कंटिन्यू करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म 10IE के लिए है वो सवाल पूछ दिया जाएगा। वो क्या है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC। अगर आप ITR 1 या ITR 2 के अलावा ITR 4 फाइल करेंगे तो ITR 4 के अंदर ये क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बिजनेस के लिए रिटर्न फॉर्म में वो चीजें इंबेडेड नहीं है, वो आपको सेपरेट तरीके से भरना होगा और उसके लिए आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स के सेक्शन में जाना होगा। क्योंकि सेक्शन 115BAC के अंदर दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2, और क्लॉज 1 जो है वो करता है बिजनेसमैन की बात, क्लॉज 2 अदर देन बिजनेस की बात, और जो फॉर्म बना हुआ है 10IE वो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्लॉज 1 यानी कि बिजनेसमैन वालों के लिए, इसीलिए उसका सेपरेट भरना पड़ता है और सैलरीड क्लास के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, इसके लिए कोई सेपरेट प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, आप इसे जब यस करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि आप 115BAC का बेनिफिट लेना चाहते हैं। 115 का बेनिफिट जब आप लेंगे, 115BAC का बेनिफिट जब आप लेंगे, आपको टैक्स रेट तो कम लगेगा लेकिन जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं वो नहीं दी जाएंगी एक्सेप्ट 3 और 4 एग्जेम्पशंस। जब आप यस करके इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने सिर्फ 3 एग्जेम्पशन जो है जो अलाउड है वो दिखाया जाएगा एज पर सेक्शन 115BAC। कौन कौन से? सबसे पहला है कि एग्जेम्पशन आप एक्सपेंडिचर का लेते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ ट्रेवल पे है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का जो एग्जेम्पशन है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी। तो यहां पर इस 3 के अलावा और कोई भी एग्जेम्पशन आपको अलाउड नहीं है।
साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो डिडक्शन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 80CCD2 के अंदर यानी कि एनपीएस में वो भी इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, ना एलआईसी का मिलेगा ना मेडिकल का मिलेगा, कोई डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने 115 बीएसी यानी कि रिड्यूस्ड टैक्स रेट का बेनिफिट जो है वो लिया है। अब एक बार यहां पर करते हैं कि हम लोग 115 बीएसी के अंदर नहीं जाना चाहते यानी कि ओल्ड टैक्स रेट में रहेंगे तो आपको एग्जम्पशन और डिडक्शंस जो हैं वो पहले की तरह दी जाएंगी। अब आप देखेंगे तो एग्जम्पशन की लिस्ट जो है वो अब लंबी हो गई है। इसके अंदर आपको किस किस चीजों का मिल रहा है एग्जम्पशन? सबसे पहले एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, टूर, ट्रांसफर, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एटसेट्रा, ये सारे एग्जम्पशन आप न्यू रेजिम में नहीं ले पाते। स्पेशल अलाउंसेज है, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेज है, हॉस्टल अलाउंसेज है, ये सारी चीजें आपको अब मिलेंगी क्योंकि अब आप हायर टैक्स रेट ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। एचआरए का एग्जम्पशन लेना है वो भी अब आप ले सकते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस का बेनिफिट लेना है वो ले सकते हैं। अगर और कोई अमाउंट है एग्जम्पशन का तो वो भी आप यहां पर क्लेम कर पाएंगे। अगर आप डिडक्शन की बात करेंगे तो पहले सिर्फ और सिर्फ CCD2 का बेनिफिट दिया जाता था, अगर आपने वहां नो करा है तो अब आपको यहां पर 80C का बेनिफिट जो है वो भी दिया जाएगा और 80C के अंदर जितने बेनिफिट्स हैं LIC के हो गए, आपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे किया हुआ है, NSC है, आपके पास 5 साल का FDR है, वो सारे बेनिफिट आप यहां पर ले सकते हैं जैसे कि PPF का, 5 ईयर टैक्स डिपॉजिट का, सुकन्या समृद्धि का वगैरह वगैरह। 80CCD2 बेनिफिट तो आपको मिलना ही मिलना है, साथ ही साथ मेडिकल का भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा, उसके बाद जो एजुकेशन लोन है उसका बेनिफिट मिलेगा, डोनेशन का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि चैप्टर 6 के अंदर जितने बेनिफिट्स हैं वो अब आप यहां पर 6A के अंदर जो बेनिफिट्स हैं उसका भी आप जिक्र यहां कर सकते हैं और उसको टैक्स के अंदर अपना रिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नॉन सैलरीड का रिटर्न भरते हैं यानी कि बिजनेस का रिटर्न भरते हैं तो आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जा करके इनकम टैक्स फॉर्म्स में यहां पर दिखाया जाएगा डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म 10IE, तो ये फॉर्म जो है आपको भरना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 115 BAC। तो ये दोनों फर्क रहेगा सैलरीड और नॉन सैलरीड के केसेस में। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब फॉर्म 10IE जो इनेबल किया गया है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में वो किसके लिए है और सेपरेट जो आपको फॉर्म 10IE भरना है वो किसके लिए भरना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। Thank you and have a nice day.